बहुत हुआ मेरा संशय, अब सती को शिव का पूरा सत्य जानना ही होगा। दक्षायणी, तुम कहाँ जा रही हो? सैनिकों, दक्षायणी को रोको। स्वीकार होगा मां, ना छिपकर जा रही हूं ना बिना बताए। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु आपके कहने पर हमने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, परंतु ये विष तो हम सबके प्राण ले लेगा प्रभु। और इस बार सबकी मंशा हित और सहयोग की थी, तो फिर ये विष कैसे निकला प्रभु? राहिमान शंभु, राहिमान, आपने मुझे अहंकार के विष से बचाया, अब इस हलाहल से संसार की रक्षा कीजिए प्रभु। हमारी विनती है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा करें शंभू, रक्षा करें। इसे मैं भी संतुलित नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। आपके आदेश पर मैंने सृष्टि का निर्माण किया था, परंतु मैंने विष तो नहीं रचा था, ये कैसे उत्पन्न हो गया प्रभु? कहीं देखते ही देखते ये समस्त संसार शमशान में ना बदल जाए प्रभु। यही तो आपके इन तथाकथित प्रभु की इच्छा है। और अब ये सारे संसार को शमशान में बदल देना चाहते हैं। यही समझाया था मुझे मरघट में कि भस्म में ही सत्य है और यहीं से सबको मुक्ति मिलेगी। तुम्हें इस शमशान में जीवन का अंत दिख रहा है, परंतु मुझे मुक्ति का आरंभ, यहाँ सब मुक्त होते हैं। अब ये पूरे संसार को भस्म में बदल कर ही संतोष लेंगे और सबको मुक्ति दिलाएंगे। अच्छा है, इनका काला सत्य भी भस्म के साथ दबकर रह जाएगा, और जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा तो इनका काला सत्य भी कोई नहीं जान पाएगा। सबकी मृत्यु पर आनंद तांडव करेंगे ये। बहुत हुआ दक्ष, अब ये उदंडता सहने योग्य नहीं है। संकट की इस घड़ी में जो सुझाव का न रख कर संकट का बखान करे और सबकी आत्मबल पर चोट पहुंचाए, वह स्वयं एक संकट होता है। इतना भी नहीं समझे दक्ष, जो सृष्टि के सूत्र हैं, वो इसे काल के गर्भ में जाते देख भला क्यों प्रसन्न होंगे? हाँ तो समुद्र के गर्भ से काल को बाहर निकालने का सुझाव किसने दिया था? इन्हीं ने ना। मुझे तो नहीं लगता कि ये सृष्टि करता है, केवल श्रेय ले लिया है रचनाकार का। बस ये मत भूलो तुम किस पर आरोप लगा रहे। अपनी मर्यादा में रहो दक्ष। आराध्य, मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ाने से कहीं ज्यादा आवश्यक है शिव से प्रश्न पूछना कि क्या हल है इनके पास।
परम पिता का शीश काट दिया तो क्या हलाहल का ताप काटने की क्षमता है? मेरा श्राप काट दिया तो क्या इस आपदा से निमटने की क्षमता है? नवजात मृत शिशु के 49 मारूत बना दिए तो क्या कोटि कोटि जनता को जीवित करने की क्षमता है? है कोई उत्तर बताइए शिव। आप यहीं रहिए, आगे जाना संकटकारी हो सकता है, किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। सती, अपने आंखों पे लगे भ्रम के पर्दे को हटाओ और समझो, तुम्हारे पिताश्री के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है शिव के पास, इसीलिए वो दूर जा रहा है। मानो सती, देखा सती, आज फिर भ्रम में रखकर चले गए शिव। भ्रम की पट्टी तो हट रही है मां, विष के घुमड़ते बादल मेरे मन के संचय के बादलों को काट रहे हैं। We'll be right back.
चंद्रदेव, शिव क्या सोच रहे हैं? क्या करने वाले हैं ये? आनंद ले रहे हैं विनाश का, स्वयं विनाशक जो है। परमपिता, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप कुछ क्यों नहीं करते? आराध्य, आप संसार के संचालक हैं, आप शिव पर क्यों आस लगाए बैठे हैं? क्योंकि शिव हमारे मार्गदर्शक हैं। यह कैसे मार्गदर्शक हैं जिनके बताए मार्ग पर चलकर सृष्टि अपने अंत पर पहुंच गई है और अब स्वयं न जाने कहां चल दिए हैं? यही तो शिव हैं, जो केवल राह बताते नहीं, स्वयं उस पर चल कर दिखाते हैं। ठीक से देखो दक्ष, शिव क्यों बढ़ रहे हैं हलाहल की ओर? जिस हलाहल की गंध मात्र ने इस समस्त संसार में हाहाकार मचा दिया है, शिव उसके निकट क्यों है? ये क्या करने जा रहे हैं महादेव? कुछ विषयों को पिया नहीं जाता नारायण, उनको ग्रहण करके उनका हल किया जाता है। अपना शंख दीजिए। नहीं शिव, ये कालकूट है नारायण, काल को भी गिरा देने वाला, और जब समस्त संसार ने महाकाल माना है तो कर्तव्य निभाना है। अनर्थ हो जाएगा शिव, अनर्थ हो जाएगा। यदि इस हलाहल ने आप पर अपना प्रभाव डाल दिया तो मैं नहीं जानता कि यह विष क्या करेगा, परंतु संसार को जिनसे अपेक्षा होती है वो परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं रख सकते। और स्मरण है ना, मैंने सृष्टि के प्रारंभ में क्या कहा था? जब मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आऊंगा। लेकिन आपने वासुकी को वचन दिया कि ये मंथन समाप्त होने तक आप नहीं आएंगे। आपसे विनती है कि मंथन के आरंभ होते ही आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अवश्य दिया था नारायण, परंतु उस वचन का टूटना श्रेष्ठ है जो आपको अपने कर्तव्य को वहन करने से रोके। और स्मरण है ना, जब उद्देश्य पुकारेगा तब मैं आऊंगा। आज जो उद्देश्य सामने है, जो कर्तव्य है, वो केवल मेरा है, और जिसके रहते निर्दोष शव बन जाएं, वो शिव नहीं नारायण। सत्य की कसौटी ने शिव को पुकारा है, लीजिए। नहीं प्रभु, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए।
प्रभु ये मत करिए, ये शंख मुझे दीजिए, ये हलाल मैं ग्रहण करूंगा। नहीं नंदी, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। परंतु प्रभु मैं आपका कवच हूं। जिस प्रकार नंदी और काल के मध्य शिव आ गए थे, उसी प्रकार आपके और काल के मध्य ये नंदी कैसे नहीं आएगा प्रभु, कैसे नहीं आएगा। नंदी, तुम्हारा समर्पण सर्वश्रेष्ठ रहा है, किंतु आज कर्तव्य अर्पण का वेला है। नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं। तुम और सभी शिवगण किसी भी परिस्थिति में बीच में नहीं आओगे, यह मेरा आदेश है। नहीं है। संसार के लिए तप किया है आपने और आज आप भी त्याग कर रहे हैं, क्या कारण है प्रभु? जो नेतृत्व करता है उससे सबको प्रेम होता है, परंतु जो प्रेम पाता है उसके साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। और कर्तव्य के मार्ग पर नारायण कभी तपना पड़ता है, कभी त्याग करना पड़ता है, तो कभी तांडव दिखाना पड़ता है। कभी मार्ग दिखाना पड़ता है तो कभी मार्ग बनाना पड़ता है, कभी बाण बनना पड़ता है तो कभी कवच। और ये मैं अपनी महानता या अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए नहीं कर रहा, कर्तव्य है मेरा, निभा रहा हूं। लीजिए नारायण। नारायण, मेरे प्रभु को रोकिए। अब शिव किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। ये हलाहल है, हलाहल।
अर्थात जिसका कोई हल नहीं, शिव के पास भी नहीं। आज सब स्पष्ट हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा, सब साक्षी बनेंगे इस विनाश के, और शिव को सदैव इसका दोषी माना जाएगा। समझ नहीं आता बड़े भैया, सृष्टि को नष्ट कर देने को आतुर वो हलाहल अधिक विषैला है या आपकी सोच? ये सोच भी इसी के कारण जन्मी है। सब शिव का किया धरा है तो उपाय भी यही बताएगा ना। इस संसार के कण कण में हूं और यदि इस संसार की रक्षा के लिए मुझे इस विष को पीकर कण कण में विभक्त ही क्यों ना होना पड़े, मुझे सहर्ष स्वीकार है। इस सृष्टि का संताप हरने के लिए मुझे इस ताप का पान करना होगा। नहीं शिव,
रुक जाइए शिव, रुक जाइए। ये देव नहीं, ये सबका दैव्य, सबका भाग्य बदल देने वाले देव हैं। जहां ब्रह्मदेव और नारायण असफल हुए, वहां अपने तप से बढ़कर, अपने अस्तित्व का त्याग करकर मृत्यु के तांडव के सामने खड़े होने वाले देव हैं। जो सबकी पीड़ा और संताप भर ले, वो देवों के देव, ये महादेव हैं, ये महादेव हैं, ये महादेव हैं, ये महादेव हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 शिव शंकर,
देव ने समुझ हलाहल हर लिया है, वो हलाहल जो इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता, इस समस्त संसार की रक्षा हो गई। पर अब इस हलाहल से उनकी रक्षा कौन करेगा? अभी ये हलाहल महादेव के कंठ तक पहुंचा है और वो अभी से ही सुध खो रहे हैं। यदि उनके शरीर में फैला, उनके हृदय तक पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। मां आदि शक्ति स्वयं उनके हृदय में निवास करती हैं। सती सती
नहीं, आज नहीं प्रजापति दक्ष। वो मेरी पुत्री है देवऋषि। नहीं, इस समय वो आपकी पुत्री नहीं, इस समय वो साहस है, आशा है, भक्ति है, इस समय वो साक्षात आदि शक्ति है। जी।
इस संसार का एक नियम है, जब तक अपने अधिकारों के लिए प्रयास नहीं करोगे कुछ नहीं पाओगे। ध्यान दीजिए, एक जननी, एक माता केवल एक जीव को ही जन्म नहीं देती, अपितु संस्कारों को, चेतना को जन्म देती है। और यदि वही माता अपने अधिकार ना ले पाए तो वो अपनी संतान को क्या सिखाएगी? जो चेतना देता है वो स्वयं चेतनाहीन नहीं हो सकता, इसलिए अपने अधिकारों के लिए लड़िए, क्योंकि अधिकार ही एक उज्ज्वल भविष्य का आधार है।